ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਂਗ ਫਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਏ ਹਾਏ 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 ਚੌਧਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਫੀਸ ਉਹ ਕਿਆ ਦਿਮਾਗ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੂਨੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਕਾਂਗਰਸੋਂ ਕੋ ਪਤਾ ਚਲ ਜਾਏ ਤੁਝੇ ਤੋ ਅਗਵਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਵੋ ਹਸੀਨਾ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਤੋ ਆਓ ਅੱਛਾ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਆਪ ਆਤਾ ਹੂੰ बात सुनो दसो फिर है कि नहीं वाह जी वाह पहलवान जी मैं मन गई आज तन्नू इस वेले अगर मैं तुहाडी जानत दी दाद ना दित्ती ना ते बड़ी ज्यादती हो जानी है तो देओ फिर हेलो हनी ओ हनी छेती आ छेती जी मम्मी मम्मी जल्दी दसो भी मैं बहुत बिजी हूं ओए मेरी बिजी बांदरी है चल भाई मेहंदी दी तैयारी कर हां ते बुला ले अपनी सारी नीली पीली सहेलियां नु किसकी मेहंदी पुत्र मेरी ते हो नहीं सकदी हुन ती ती मेहंदी नो मम्मी नो शादी और मेहंदी के लिए एक चीज बहुत जरूरी है तुला पगली होते है ना तुला तू क्यों फिकर कर रही है तू सिर्फ तैयारी करा हाय मम्मी वो तो नहीं ना नवाब कबाब नहीं नहीं पुत्र नहीं वो गोल्डन वर्ड्स है ऐसा दमा तो मुझे मुफ्त मिले तब भी मैं ना लूं अच्छा इन बातों को तू बस तैयारी कर फिर ये ना कहना कि खबर नहीं हुई लेकिन डैडी जी शादी हो किससे रही है ओ हुई साड़ी जान दा अजाब ओ चलाक लोमड़ असलान पहचान गई हाय वाकई मम्मी ओ हाँ वाकई ओ इस वक्त तेरी ओ फुप्पी फितना मंजर से गायब थी हमने सोचा मौका अच्छा है फायदा उठा ले लेकिन वापस कैसे आएगा वो तो अभी वहाँ जॉब कर रहे फिर वह उसने कंपनी स्टार्ट करनी है पुत्र तू उसकी फिक्र ना कर वो सारा तरीका मैंने सोच लिया तू बस तैयारी कर थैंक यू आए मेरी लाटो खुश हो गई लो जी फिर मूड ड्राई फ्रूटी करो एलुची मुबारक होवे तुहानू भी अमल बेटा जी चाचू आ जाए अमल बेटा मुझे तो लगता था कि शोर हो या खामोशी मुझे भला क्या फर्क पड़ता है लेकिन तुम्हारी एक दिन की खामोशी ने इस घर की फिजा में छाया जमूत बेचैनी से हो रही है अमल बेटा मुझे चाचू जी बेटा क्या आपको वाकई मेरी फिक्र हो रही है बेटा तुम तो इस घर में जिंदगी की अलामत भला इस अकेले कमरे में अकेली क्यों बैठी हुई हो और तुम चाहती हो ना तुम्हारे अब्बा की जिंदगी में इस उम्र में कोई औरत ना आए मैं भी ये चाहता हूँ पर ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह अब तुम मूड अच्छा कर लो यार रिलैक्स हो जाओ बाकी चाचू हाँ बेटा थैंक यू यू वेलकम मेरे सर में बस थोड़ा सा दर्द है रिलैक्स करके आती हूँ बाहर अरे तुम मूड ठीक करो म्यूजिक लगाओ म्यूजिक यार म्यूजिक कौन सही है ना मैं तब तक ये व्हीलचेयर वाले को बोलता हूँ कि इसमें कुछ मसला आ गया है कुछ फ्लो नहीं आ रहा फ्लो ठीक है म्यूजिक मैं आपको कैसे बताऊं चाचू किस तरह बताऊं इस दान ने मेरे दिल से खेला है इंसर्ट की है मेरी मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी
हाँ नहीं नहीं फूलों का सिस्टम तो अच्छा है, बस लाइटों का अच्छा सेटअप कर देना। और ये जो साइकिल भेजा है ना फूलों वाला, ये बहुत छोटा है, बड़ा साइकिल भेजना था, या फिर मोटरसाइकिल खड़ा कर दो, उस पे ज्यादा फूल आ जाने हैं। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। मेहंदी तुम्हारी नहीं, हनी की, हनी का जोड़ा दिखाओ। वो ठहरते जाओ हले, ए वेखो ए परांदा वेखो तुसी की ले आईया, ए वेखो गुलाबी। वाकई ये तो बहुत सोहना है, लेकिन ये इतना भारी परांदा हनी के बालों में ठहरेगा? वो हनी दा नहीं हैगा, मेरा है। वो सारी चीजें अपनी लेके आई हो, अच्छा तुम्हारे दुल्हन बनने के ख्वाब ही पूरे नहीं होते। ना दस दियो मेनू, ना खरीदा मैं अपने लिए कोई शय, दस दियो तुसी, नहीं लेंदी फिर मैं अपने वास्ते। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। ये कहां से टपक आया? क्या बात है भाई, पूरे घर में फूल लगाए जा रहे हैं, लाइटें लगी हुई हैं, शॉपिंग हो रही है, किस चीज की तैयारी हो रही है? पुत्र जी मेहंदी की तैयारी हो रही है, आपको नजर नहीं आ रहा? मेहंदी? किसकी मेहंदी? नवाब पुत्र, तुझे ना तेरी खाला की जान की कसम है, मेहंदी वाली रात तूने जलपरी वाला डांस करके पानी में आग लगानी है। डैडी सच चाहिए दी है, मेरी दोस्तों को बहुत मजा आएगा। किसकी मेहंदी है, कितने बजे है? मेरा मतलब है अम्मी को मैं बता दूंगा, लेकिन मेरा मेरा दिल ना बड़ा जोर से धक धक कर रहा है। पुत्र नवाब अपनी खाला के साथ बैठ के ना टप्पे गा ले, उसे दिल की धड़कन जो है नॉर्मल हो जाएगी, और वैसे भी बहन को रुखसत करने के लिए मजबूत दिल चाहिए होता है। यार टप्पे दा आइडिया चंगा देता है तुसी, है टप्पे गाएंगे। सही है भाई, सही है। खालू जान, खाला ते कजन, तुम तीनों मिलके मेरा मजाक बना रहे हो ना? नहीं कोई गल नहीं, मैं अम्मा को जाके सारा बताता हूँ, तो फिर अम्मा आएगी मेरे साथ यहाँ, देखना जरा अपनी बेइज्जती का पता लेके जाऊंगा। तू चिट्टा कुकड़ बन रहे पहलवान जी, ऐडा तू चिट्टा कुकड़ बने रहे, ठहर जाओ ना, एक होर शेव खानी है। अरे ये बता दो ये तुम्हारी है या हनी की? मेरा। फिर रहने दे, जब पहनेगी मैं देखूंगा। बस कुछ नहीं लिया आपने मेरे लिए? ओए झूठी ना होए, इतनी शॉपिंग की थी सारी गड्डी में, कितना झूठ मार रही है प्यो दे आगे।